गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। आज देखिए, दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम आज बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से सीखेंगे। और हम चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट, हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसी को ख्याल रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया कि मान दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब देखिए यहाँ पर 6 लिखे तो 6 आया कैसे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हम जानते हैं कि a बराबर होता है bq+r। तो इसमें देखा गया 6q+1 यानी क्या हो गया bq+r, तो यहाँ पर भी 6, इसमें देखते हैं bq+r, यहाँ भी देखते हैं 6, और इसमें भी देखते हैं 6q+r, r की जगह 5 है, बदल रहा है, लेकिन ये 6 सब में है जो कि b के जगह पर है, इसलिए हम लिख दिए इसका b बराबर 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर क्या होता है, होता क्या है, a बराबर bq+r कॉमा जहां, ठीक है ना, जहां 0 छोटा है किससे, r से, और बराबर भी है, लेकिन r छोटा है b से, यही होता है ना। फिर आगे स्टेप बढ़ाइए, a को ऐसे ही लिखिए और b के जगह पर रखे हैं ना, b के जगह पर 6, तो b के जगह पर केवल हम 6, q तो है ही, r ऐसे ही, जहां 0 वैसे ही लिखिए, बिल्कुल आसान है, b के जगह पर केवल लिख देना 6, और यहाँ पर लिख भी देना है चूंकि b बराबर 6, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर b बराबर आ गया, b के स्थान पर 6 आ गया, यानी r जो है शेषफल का संभावित मान क्या हो सकता है r बराबर, तो कहता है r छोटा है 6 से, यानी 6 के नीचे जो भी मान होगा r का, वह संभावित मान होगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए r बराबर 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 के बराबर नहीं है, क्योंकि 6 से छोटा ही है, तो ये r का संभावित मान होगा। अब क्या करना है, इसमें r का मान को इसमें a बराबर 6q+r के जगह पर हमको बारी बारी से डालना है, ठीक है, एक बार देख लीजिए गौर से, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसीलिए a बराबर, देखिए 6q+r, r के जगह पर अगर 0 डालते हैं तो 6q जोड़ r बराबर क्या होगा, 6q, तो एक मान लीजिए, इसीलिए a बराबर 6q आया,
अब फिर वन डालिए तो कितना आ जाएगा, फिर वन जुट जाएगा, केवल क्या होगा वन जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बराबर, ए बराबर हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक है, या ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर सिक्स क्यू प्लस वन जोड़ दिए तो टू जोड़ेंगे यहाँ पर टू, अब टू मान रखना है, या यहाँ से लिख देते हैं यहाँ, या ए बराबर सिक्स क्यू टू रख ही दिए तब थ्री रखेंगे, या ए बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री रख दिए तो फोर आएगा, या ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फाइव हो सकता है, हो सकता है, ये मान, ये जो इसका मान बैठाएंगे तो ये मान हो सकता है, लेकिन गौर करने की बात यहाँ ये है कि यहाँ दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि सिक्स क्यू प्लस वन का रूप का होना चाहिए, सिक्स क्यू प्लस थ्री का रूप का होना चाहिए, सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होना चाहिए, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ये मान तो हो सकता है, लेकिन इस मान में से वही मान होगा जो विषम धन पूर्णांक होगा। अब देखिए कौन कौन इससे मान छट सकता है, देखिए दो से विभाजित हो जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा, तो दो से तो ये विभाजित हो गया तो ये मान आपका नहीं आ सकता, ये देखिए दूसरा में देखिए सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स तो डिवाइड दो से भाग लग जाएगा लेकिन एक में नहीं लगेगा तो ये मान विषम संख्या में आ जाएगा, फिर ये मान आपका नहीं आएगा क्योंकि ये भी दो से भाग लग जाएगा, फिर इसको देखते ये नहीं लग पाएगा, फिर ये वाला मान आपको क्या हो जाएगा, ये वाला मान भी नहीं आ सकता क्योंकि विषम संख्या सम संख्या हो गया ये, और बाकी ये तो हो जाएगा। देख लीजिए एक बार गौर से, लेकिन अब लिख देते हैं लेकिन, लेकिन ए बराबर, ए बराबर सिक्स क्यू कॉमा सिक्स क्यू प्लस जो जो छाटेंगे सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू ना, सिक्स क्यू प्लस टू कॉमा सिक्स क्यू प्लस फोर, ये रूप नहीं ले सकते, ये रूप क्या कर सकते नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्योंकि ये दो से क्या है विभाज्य है, दो से विभाज्य हैं, ये मान नहीं ले सकते, तो बाकी का जो मान होगा विषम मान ही बचेगा ना, तो वही बात को यहाँ पर लिख देना है, एक बार गौर से देख लीजिए आप लोग, अब लिखेंगे अतः, अतः ए के विषम मान के लिए ना, ए के विषम मान के लिए, ए के विषम मान के लिए सिक्स, सिक्स क्यू प्लस वन, बचा कौन कौन बचा देखिए, अब सिक्स क्यू प्लस वन कॉमा सिक्स क्यू प्लस थ्री कॉमा सिक्स क्यू प्लस फाइव का रूप होता है, होता है ना, होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये हम साबित करके दिखा दिए कि ये इतना मान में से ये भी मान आता है a का मान। इस प्रकार से ये सवाल आपका दो नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।